पांच मंत्र आमिर के कैसे बने आमिर परफेक्शनिस्ट, गजनी टू में किन बातों को रखा जाएगा ध्यान। स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त श्रुति। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान इन दिनों थोड़ा लो चल रहे हैं। कुछ साल पहले आई उनकी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद थी। वहीं आमिर खान भी फिल्म की निराशाजनक परफॉर्मेंस से काफी परेशान थे। फिल्म के लिए की गई आमिर खान की मेहनत साफ नजर आ रही थी, ऐसे में फिल्म का खराब प्रदर्शन आमिर के लिए वाकई एक बड़ा झटका था। पिछले कुछ सालों से आमिर की हर एक फिल्म न सिर्फ तारीफें पा रही है बल्कि बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी कर रही है। वहीं आमिर की एक ऐसी ही फिल्म को 12 साल हो गए हैं। जी हम बात कर रहे हैं 2008 में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म गजनी की। गजनी साउथ की एक शानदार फिल्म की रीमेक थी। लंबे समय बाद आमिर खान की ये फिल्म जबरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। आमिर खान को सबसे एलीट खान कहा जाता है, गलत नहीं होगा। वो अपनी हर चीज को मेंटेन करने के चलते हैं, ना कभी कॉन्ट्रोवर्सी में पड़ना, ना ज्यादा पार्टी या शो में दिखना उन्हें शाहरुख और सलमान से अलग बनाता है। इन सभी बातों के अलावा भी कई और चीजें हैं जो आमिर को परफेक्शनिस्ट बनाती है, लेकिन उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल बात करते हैं आमिर की फिल्म गजनी के सीक्वल गजनी 2 की, जो जल्दी ऑन एयर होने वाला है। बता दें इन पांच चीजों पर आमिर अपनी फिल्म गजनी 2 में काम करने वाले हैं। जैसे एक सोशल मैसेज के साथ फिल्म को बनाने की प्लानिंग से लेकर एक अलग सोच रखने वाली सोच तक इस फिल्म में दिखाया जाने वाला है। आपको क्या लगता है क्या होगी गजनी 2 की कहानी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए। जाते जाते कीजिए इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, आपको इसी चैनल पर मिलेंगे आपके मन पसंदीदा सितारों से जुड़ी हुई हर मन पसंद खबर।